परीक्षा फल की घोषणा आज माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। इस वर्ष वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2018 के आज जारी परीक्षा फल में कुल 68.89% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2017 में उत्तीर्णता का कुल प्रतिशत 50.12 था। इस प्रकार विगत वर्ष 2017 की तुलना में कुल 18.77% विद्यार्थी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्णता के प्रतिशत में वृद्धि का कारण यह प्रतीत होता है कि पिछले एक वर्ष में विभाग द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संबंध में कई सारी योजनाएं लागू की गई। प्रश्न पत्रों के पैटर्न में भी बदलाव लाया गया था। इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए थे और कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए थे, जिनका विशेष रूप से इस सारी प्रक्रिया में और परीक्षा फल में परिणाम देखने को दृष्टिगोचर हुआ है। सारी प्रक्रिया को कंप्यूटराइज करते हुए सभी स्तर पर कदाचार की संभावना को पूरी तरह खत्म किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों का स्थापन किया गया, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में इंजीनियर्स की संख्या भी काफी बढ़ाई गई। 25 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ साथ अन्य वैसे जो भी प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं, मैजिस्ट्रेट्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स, जोनल मैजिस्ट्रेट, सब जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट, इन सबों की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों में की गई और सभी जिलों में पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया। इस वर्ष पूरे राज्य में 1426 परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह कदाचार मुक्त, स्वच्छ और पूरी कड़ाई और शांतिपूर्ण माहौल में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और इसके साथ साथ सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी परीक्षा में लगे हुए सभी कर्मी और परीक्षार्थी बधाई के पात्र हैं।